मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी बता रही हूँ, वो भी मैं राइस कुकर में ये बनाना बता रही हूँ। ये मेरे पास राइस कुकर है। हम किचन के लिए गजर तो कई तरह से खरीदते हैं, लेकिन ऐसे हमारे पड़े रहते हैं, बहुत कम यूज़ कर पाते हैं। तो आप हमेशा जो भी चीज़ लें उसको इस्तेमाल करें, इसमें बड़ी अच्छी चीज़ें बनती है। मैंने अपने चैनल में पहले भी इसके बारे में कई रेसिपी डाली हुई है, तो आज मैं आपको पुलाव की रेसिपी बता रही हूँ। उसके लिए ये देखिए, मैंने एक गिलास ये चावल लिए थे, ये मैंने भिगो के आधा घंटा रखे, ये भिगो के आधा घंटा रखे। इसके लिए अलावा सब्जियाँ चाहिए जो हमारे को, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। और मैंने लिए ये आधा कटोरी के लगभग मटर, ये दो छोटे आलू, ये थोड़ी सी गोभी का इतना सा टुकड़ा फूल, और ये सोया चंक्स को मैंने उबाल के रख लिया, और एक प्याज। खड़े मसालों में चाहिए हमारे को एक तेजपत्ता, जीरा, थोड़ी सी दालचीनी और दो चार लौंग, और नमक, और थोड़ा सा गर्म मसाला, और थोड़ी सी लाल मिर्च ली है। तो सबसे पहले मैंने ये राइस कुकर को ऑन कर दिया, इसका ये पैन है गर्म हो रहा है। ये गर्म हो जाता है तो फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे। ये मैंने ऑयल लिया दो बड़े चम्मच। अभी ये गर्म होने देते हैं, जैसे हम प्री हीट करते हैं पैन को वैसे ही इसको करेंगे, और इसमें तेल डाल देते हैं। ये हमारा ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें खड़े मसाले डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। मसाले भुन गए, एक मिनट हमने इसको भुना, अब ये हम इसमें प्याज डाल देते हैं और प्याज को भी थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं। इसको बंद करके रखते हैं ताकि ये जल्दी हो जाए। तो अभी हम बाद में एक मिनट बाद देखेंगे इसको, फिर मैं आपको थोड़े थोड़े ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें सारी सब्जी डाल देंगे, जैसे आलू है, गोभी है, और ये जो हमारे पास सब्जी है, ये मटर। पहले मैंने इनको धो के काटा हुआ है, अब इसको भी हम एक मिनट भून लेते हैं, बंद कर देते हैं और एक मिनट इसको पकने देते हैं। ये कुक पे आ जाता है ऑटोमेटिकली जब हम बंद करते हैं, ये कुक हो रहा है। तो एक मिनट के बाद हम चावल डालेंगे, फिर इस बीच हम पानी इसके लिए गर्म करते हैं। एक गिलास ये वाला चावल लिए थे, तो मैं दो गिलास इसमें यानी कि डबल पानी डालूँगी, एक और ये दो। आप जितना लें उसका दुगना आप पानी डालें। अब इसको मैं गर्म करने रखती हूँ, गर्म पानी हम डालेंगे। मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया, तो ये ऐसे करने से ये होता है कि हमारे जो चावल हैं वो जल्दी पक जाए। देखिए हमने 4 से 5 मिनट सब्जियों को पका लिया, ढक के बीच बीच में हमने चला लिया था। ये हमारी ऑलमोस्ट काफ़ी भून चुकी है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सब्जियों के लिए हम आधा छोटा चम्मच नमक डाल के, बस हमने सब्जियों के लिए नमक डाल दिया और ये भून रही है। अब हम इसमें डालेंगे ये अपने राइस हैं, जो बिल्कुल डालेंगे अच्छी तरह से। और इसमें चावल के लिए हम 1 चम्मच नमक लेंगे, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, यानी कि 1 से 2 मिनट उसको भून लेते हैं। पानी हमारा ये देखिए गर्म हो चुका है, हम गर्म पानी डालेंगे इसमें। अभी हम इसको भून लेते हैं, अब थोड़ा सा बंद कर लेते हैं, फिर भून लेते हैं इसको, थोड़ी सी बीच में लाएंगे। 7 मिनट में हमने सब्जियां भूनी, फिर चावल डाल के 2 से 3 मिनट भून लिए। अब थोड़े से हम इसमें हरा धनिया डालते हैं, और जो हमने 2 गिलास गर्म पानी करा था वो भी डाल देते हैं, उनको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब इसको बंद करके कुक होने के लिए रख देते हैं कि ये ऑटोमेटिकली इसमें वार्म पे आ गए, यानी कि कुक हो चुके हैं। तो अब हम खोल के देखते हैं, 7 से 8 मिनट टोटल लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ये देखिए हमारे राइस बिल्कुल बनकर तैयार है, पुलाव वेजिटेबल। ये देखिए ये आलू वगैरह सब गल गए हैं, चावल भी गल गए। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बंद वार्म पे इसको 5 मिनट रखेंगे, ताकि जो अगर थोड़ी बहुत कसर हो वो भी इसकी कंप्लीट हो जाए। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप बना लेंगे कोई चीज़ तो इसमें वार्म पे हमेशा गर्म ही रहेगी, आपको दोबारा गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप 2 घंटे के बाद इसको खाएं। तो इसका बहुत फ़ायदा है। तो वर्किंग लेडी हो या हॉस्टल में
स्टूडेंट वगैरह रहते हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ये 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके कैसे बने हमारे। कुकर बंद कर दिए, अब हम इसको निकालते हैं। इसका देखिए हमारा राइस कुकर में वेजिटेबल पुलाव बनकर तैयार हो गया, कितने खिला खिला बना। तो आप भी हमेशा ऐसे बनाइएगा अगर आपके पास है, तो मैं आपको थोड़ी सी डिश आउट करके बता देती हूँ। ये देखिए कितने खिले खिले चावल बने। सोया पुलाव हमने डिश आउट कर दिया, वेजिटेबल मिक्स वेजिटेबल, ये देखिए। और कोई वो मुश्किल नहीं है बनाना, आप इसको बनाइए। आप किसी रायता या किसी सब्जी के साथ या सच भी दही के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए बनाइए, खाइए और मुझे बताइए आपको मेरी टिप कैसी लगी। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।